दोस्तों बहुतों की कमेंट्स आती है कि आप जो है सैमसंग और वन प्लस के जो फोन्स हैं उनकी कभी बुराई नहीं करते, क्या उनमें कोई कमियां नहीं हैं? कमियां तो दोस्तों हर फोन में होती है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखोगे वहां पर मैं हर फोन की पॉजिटिव और नेगेटिव बातें दोनों को बराबर लेते हुए चलता हूँ। तो क्यों ना मैंने सोचा कि हर वीडियो में एक जो भी फोन नया मार्केट में आ रहा है ना उसकी एक अलग से वीडियो बनाई जाए जहां पर पर्टिकुलर बात करेंगे उसके प्लस पॉइंट्स की और उसके माइनस पॉइंट्स की। तो आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M31S के बारे में जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर अमोलेड डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के मामले अगर बात करूँ ना तो बजट फोन्स के अंदर जो फोन 15,000-20,000 रुपए के अंदर मिलते हैं ना वहां पर अगर आपको सुपर अमोलेड मिल रही है तो एक अच्छा ऑप्शन है। वहीं अगर मैं बात करूँ ना शाओमीज के फोन्स की तो वहां पर आपको IPS भी मिल रही है, कहीं पर आपको अमोलेड मिल रही है, लेकिन यहां पर आपको सुपर अमोलेड देखने को मिल रही है। तो यहां पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो यहां पर आपको मिलता है एक्जिनोस का 9611 प्रोसेसर। अब देखो प्रोसेसर यहां पर अच्छा है, लेकिन यहां पर कमी वाली बात यह है कि ये जो प्रोसेसर है वो काफी साल से चलता आ रहा है, 1 साल 1.5 साल से ऊपर हो गया इस प्रोसेसर को जो कि चलता आ रहा है। उम्मीद इस बार हमने ये की थी सैमसंग जो है अपने M31S के अंदर कुछ नया प्रोसेसर लेके आएगा, लेकिन हमें वो नहीं मिला। अब यहाँ पर अच्छी बात तो ये है कि ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, और थोड़ी सी कमी यहाँ पर ये है कि ये प्रोसेसर पुराना है, हमें उम्मीद थी नए की। अगर मैं बात करता हूँ आपसे कैमरा क्वालिटीज़ की तो बाकी फ़ोन्स की तरह यहाँ पर भी आपको जो टिपिकल क्वाड कैमरा सेटअप है वो देखने को मिल रहा है। अब वो क्वाड कैमरा सेटअप आपको कैसे मिलते हैं? जो फर्स्ट कैमरा मिलता है आपको वो आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। अब ये जो कैमराज है यहाँ पर आपको एक स्पेशल कह सकते हैं फंक्शन मिलता है, एक फीचर मिलता है, वो है सिंगल टेक का। और सिंगल टेक का जो फीचर है अब तक सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स में आ रहा था, लेकिन ये फोन जो है यहाँ पर आपको बजट में भी मिल रहा है। अब सिंगल टेक क्या होता है मैंने काफ़ी बार बताया कि आप किसी मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक वन क्लिक करना होता है और वहाँ पर उसकी जो है 6-7 पिक्स आ जाती है और GIF फाइल जो है वो बन जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। फ्रंट कैमरे के अंदर भी आपको कमाल फीचर्स मिलते हैं, जहाँ पर जो फ्रंट कैमरा मिलता है आपको 32 मेगापिक्सल का, और वहीं पर भी 4K रिकॉर्डिंग मिल जाती है, स्लो मोशन मिल जाता है और AR डूडल जैसे कमाल शानदार फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं ना कि भैया कमी क्या है इसमें, तो कमी मुझे तो कोई लगी नहीं, क्योंकि बजट फ़ोन के अंदर 20,000 रुपये के फ़ोन के अंदर अगर हमें ऐसी कैमरा क्वालिटीज़ मिल रही है सिंगल टेक जैसी तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे हो सकता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं जिस तरह की जानकारी आपको देता हूँ शायद ही कोई और आपको देता होगा। अब हो सकता है कि भैया कुछ लोग सोचे कि इस फोन के अंदर बैटरी के अंदर कुछ कमी है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी मिलती है जहाँ पर फास्ट चार्जिंग मिलती है आपको 25 वाट की। और सबसे अच्छी बात, आप अपने फ़ोन को एज ए पावर बैंक यूज कर सकते हैं। सपोज आपके फ़ोन की बैटरी है 80% 100%, तो आप किसी दूसरे फ़ोन के अंदर जो है उसकी अपनी जो चार्जिंग है उसे दे सकते हैं एज ए पावर बैंक, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर बात करें प्राइस रेंज की तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 2 वेरिएंट्स, जहाँ पर 6 GB और 128 GB मिलता है आपको 19,500 रुपये में, और वहीं पर 8 GB 128 मिलता है आपको 21,500 रुपये में। अब सवाल ये आता है कि भैया क्या ये फ़ोन अच्छा है, क्या ये ओवर प्राइस नहीं है? क्योंकि ओप्पो के जो फ़ोन है, जहाँ मैंने आज सुबह ही वीडियो बनाई है ओप्पो रेनो 4 प्रो की, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ बताया कि जो फ़ोन है ओवर प्राइस्ड है। अब मेरी बात सुनो आप, यहाँ पर आपको सुपर अमोलेड मिल गया, प्रोसेसर ठीक है अच्छा मिल गया, लेकिन नया नहीं मिला, कैमरा क्वालिटी सुपर है, बैटरी क्लासिक है, लेकिन यहाँ पर जो प्राइस रेंज है वो भी आप देखिए 19,500 से 21,500 रुपये के अंदर वैरी कर रही है। वहीं पर ये जो ओप्पो का जो फ़ोन आया था वो 35,000 रुपये। बस यही दोस्तों कारण था कि ओप्पो के फ़ोन्स मुझे थोड़े से कम पसंद आते हैं, और सैमसंग के जो फ़ोन है आपके सामने है कि काफ़ी अच्छी तरीके से हमें मिल रहे हैं, बाकी बुराइयाँ सब फ़ोन में हैं। और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की है कि इस फ़ोन के अंदर जो कमियाँ हैं और जो बुराइयाँ हैं जो अच्छाइयाँ हैं वो सब कुछ आप तक पहुँचा सकूँ। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक पहुँच पाए मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।